अभ्यर्थी की पीड़ा की बात करते हैं, देश में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार की बात चल रही है, तो उस भ्रष्टाचार पे आज मैं अपने मन की बात कहता हूं। और एक अभ्यर्थी की पीड़ा है, एक अभ्यर्थी अपने घर से इस उम्मीद से पढ़ने के लिए घर से दूर जाता है, वह भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वह सुबह 5 बजे की अलार्म से पहले उठ जाता है कि मुझे कोचिंग समय से जाना है, तैयार होकर कोचिंग जाता है, मेहनत करता है और परीक्षा देकर आता है, तो पता चलता है वह अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। तो उसके माता पिता अपने हिस्से के जेवर को बेचकर अपने घर में अपने बच्चों को पेड़ काट के अपने बच्चे को जो पढ़ने वाला होता है उसे घर से दूर किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन कराते हैं इस उम्मीद से कि वो बालक पढ़ेगा और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नौकरी करने के लिए आपको दिन रात एक करके पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं होने जरूरत है। आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तो देश में प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी की नौकरियां बिक रही है, माने प्रदेश की जो सबसे बड़ी नौकरी है, मतलब जिसमें सबसे बड़ा नौकरी होता, वो हमारे देश में खुले आम नीलाम हो रहा है। और हम गरीब परिवार जो सुबह की रोटी शाम को खाती है, शाम को रोटी सुबह खाती है, इस उम्मीद से कि उसका बेटा उसकी बेटी पढ़कर एक लोक प्रशासक बनेंगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, लेकिन उनके सपनों में पानी वो फेर देते हैं जिसने कभी किताब का मुंह ना देखा हो। अब उस देश से भ्रष्टाचार मुक्त की बात हम कैसे करें? अब जो 50 लाख रुपया देके, 25 लाख रुपया देके, 10 लाख रुपया देके अगर नौकरी करेगा, वो अपना काम क्या पूरी ईमानदारी से कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतना पैसा देकर गया, सबसे पहले पैसा वो खींचेगा। तो इसका मतलब यह है कि देश में अगर भ्रष्टाचार को कम करना है तो सबसे पहले आपने ऐसी जड़ें खंगाल कर रखी हैं, ऐसे जड़ें खोद कर रखी हैं कि उस पर पनपने वाला जो पौधा है वो भ्रष्टाचार की छाया ही देगा। देश में जो ये हो रहा है, क्या एक अभ्यर्थी की पीड़ा नहीं है? हर माँ बाप दिल्ली इलाहाबाद बड़े बड़े शहरों में अपने हिस्से के रोटी को तोड़कर अपने बेटों को भेजते हैं। प्रत्येक महीना का जब 30 तारीख आता है तो हर माँ बाप अपनी खुराक, अपनी साइकिल नहीं बनवाते, अपनी गाड़ी नहीं बनवाते, अपने लिए शर्ट नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि उनका बेटा दिल्ली और इलाहाबाद जैसे संस्थानों में बैठकर तैयारी कर रहा है, उसको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो अपने पेट को काटकर, वो अपनी छांव को, वह फटा हुआ जूता पहनते हैं और पूरे साल पहनते हैं, लेकिन बच्चे को अपना नया जूता दिलवाते हैं, इसलिए वो पढ़ेगा, उसे पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खुद खाने के लिए निवाला अगर मुंह में डालें, लड़के फोन आए पापा किताब खरीदना है, ठीक है बेटा फोन में पैसा व्यवस्था करते हैं, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? लोग कहते हैं लड़के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनका अंतिम रूप चयन नहीं होता, वो आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनका अंतिम रूप चयनित क्यों नहीं होता। मतलब देश में 5 साल से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इतनी बड़ी भर्ती परीक्षाएं, मतलब जो प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाएं, वो इसमें सम्मिलित है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देश में जितनी भी परीक्षाएं आगामी 5 साल में हुई सब पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और उसके जिम्मेदार वो उस विभाग के सभी अधिकारी हैं। और हम आप युवा हैं, अगर आप चाहते हैं ये वीडियो सभी तक पहुंचे, यह बात सभी तक जाए, तो आप पिछले 5 वर्ष में हुए सभी परीक्षाओं की जांच कराने के लिए आप सभी टैग करें और सभी को शेयर करें, क्योंकि आप सभी को उम्मीद है आपने बेहतर करके आया, आपको ये पता था लेकिन पता चला मेरिट आपसे भी ज़्यादा चली गई। क्यों भैया? आप तो देर रात देखकर पढ़ते हैं ना, वहाँ तो उन्हें पहले से पेपर मिला है, माने आप रेस शुरू करते हैं और रेस का मेडल लेकर दौड़ते हैं, वो रेस का आप रेस शुरू करते हैं शुरुआत से, और वो कहाँ शुरू करते हैं? वो मेडल लेने के बाद रेस शुरू करते हैं, मतलब वो जीते हुए होते हैं और वह तब रेस शुरू करते हैं। तो हमारी रेस उनसे नहीं है जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, हमारी रेस उनसे हो गई है जो ऑलरेडी पहले से मेडल लिए, तो हमारा जीतना मुश्किल ही है, मतलब नामुमकिन है। ऐसे में आप सब अगर अब भी नहीं जगेंगे, अगर अब नहीं उठेंगे, तो पूरे देश से जो गरीब परिवार है, जो अपने हिस्से की रोटी काट कर दिन रात एक कर कर आके फोड़ फोड़ कर पड़ता है, वह देश में एक लोक प्रशासक, एक अन्य अधिकारी बनने का सपना उसका चूर चूर हो जाएगा। आपने देखा होगा शिक्षक भर्ती में अगर देखा जाए लगातार घोटालों की भीड़ चढ़ गया, 68,500 में कापियां जलाई गई, दोबारा मूल्यांकन कराया गया, मतलब दोबारा मूल्यांकन कराने से 4,000 लड़के चयनित हुए, इसका मतलब 4,000 के साथ आपने गलत किया था, मतलब आपके यहाँ करप्शन बड़े पैमाने पर था, चरम पर हुआ था। और फिर आप दोबारा कापी जांचने की बात कर रहे हैं, फिर 69,000 की भर्तियां हुई, उसमें भी 3 दिन पहले से व्हाट्सएप पे पेपर ऑलरेडी आउट होकर चल रहा था। तो मैं ये चाहूंगा जिस तरह सरकार भर्तियों को फंसा कर रखी है, हम ये चाहेंगे, आप भी ये चाहिए कि पुनः उसकी भी जांच कराए और प्रयास करें कि इस परीक्षा को रद्द कर नई नियमावली बनाए और पुनः परीक्षा कराएं, क्योंकि इस तरह से दोबारा परीक्षा भी हो जाता फ्रेश और आप सब हम सब पुनः चयनित हो गए होते। क्योंकि ये बात तो अब भी समझ में आ रही है कि वास्तव में पेपर बनने से पहले पेपर आउट हो जाए, मतलब हमारी सोच से परे है। और हम आप सोचते हैं हम नौकरी नहीं कर पाए, हमें नौकरी करनी चाहिए, हम अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, आपने पैसे नहीं दिए, आपने हमें पढ़ाया नहीं, इसलिए हमारा नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता इससे भी अनभिज्ञ है। वास्तव ये है कि उन्हें पहले से पेपर मिले होते हैं और इसके लिए
अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मतलब उत्तर प्रदेश ने इस साल आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया, मतलब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? आज अगर आप युवा, अगर आप नहीं जगेंगे, अगर आप अभी नहीं उठेंगे, तो वास्तव में आपके साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन उन गरीब माँ बाप के साथ, उन गरीब परिवार के साथ जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि मैं इस घर की हालत सुधार सकूंगा, इस घर के बद से बदतर स्थिति जो है मैं इसे सुधार कर पाऊंगा, जो उनकी आंखों में सपने, जो उम्मीदें हैं, जिसके उम्मीदों के नाते वो पूरे दिन 9-9 घंटे 10-10 घंटे किताबों चिपक कर पढ़ते रहते हैं, उनका क्या होगा? लोग कहते हैं कि जो पेपर आउट करके सजा क्या होंगी, मैं सजा क्या बात करूं भैया जी, उस परिवार सजा देने का अधिकार है जिसके बेटे को उसने पढ़ाने के लिए अपने खेत बेच दिए, उस माँ ने अपने गहने बेच दिए, गहने गिरवे रख दिए, अपने आप को पिता ने बेच दिया, 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम किया ताकि उसका बेटा पढ़ सके, और बेटा अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया और वो आत्महत्या कर लिया, वो उसका जिम्मेदार कौन? सजा देने का अधिकार उनके माँ बाप का। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि उन्हें हमारी न्यायपालिका उन्हें सजा देगी और कुछ दिन बाद वो बेल लेकर बरी हो जाएंगे और मुकदमा लड़ते रहेंगे, इसी तरह देश में भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। तो अभी भी आज भी ये समय है, अगर अब भी अगर हम युवा, आप युवा नहीं जगे, अगर आप अब इस आयोग के खिलाफ अगर आप नहीं जगेंगे तो इसी तरह धांधलियाँ होती रहेंगी। SSC में हुई, माने भारत में अब तो समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी भर्ती नहीं है मतलब जिसमें इस बड़े पैमाने पर धांधली ना हुई हो। और अभी आप सब, हम सबको अपने आगामी सरकार से, जो सरकार वर्तमान समय है, उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहिए कि अब वो पूर्ण बहुमत में है, वो हमारे देश की सरकार है, वो हमारी सरकार है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं। हम ऐसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए, हमारे गरीब परिवार के लिए अगर वो छोटी सी अगर कोई मदद करना चाहते हैं, हमें उनके किसी प्रकार के मनरेगा जैसी योजना नहीं चाहिए, हम उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मांग रहे, हम उसे आवास नहीं मांग रहे, हम अपने हिस्से की रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार में क्या चाहिए? आप हमें साफ सुथरी भर्ती परीक्षा करा दीजिए, हमें बस आपसे इतनी उम्मीद है। अगर आपको पैसे चाहिए, जैसे जो भी अधिकारी हैं उनको पैसे चाहिए, आप 100 रुपया लोक सेवा आयोग का अगर फॉर्म भरने का लगता है, आप 500 रुपया एडमिशन फीस ले लीजिए, परीक्षा फॉर्म का 500 रुपया ले लीजिए। 10 लाख से 17 लाख फॉर्म पड़ते हैं, गोड़े 400 रुपया एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, आपके पास शायद उससे ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। लेकिन आप उस गरीब परिवार का माँ बाप, वो लड़का जो दिन रात एक मेहनत करता, वो तब उतना नहीं खलता जितना ये खलता है कि वो कितना भी पढ़ कर जाए, उसकी रेस तब शुरू होती है प्रारंभ से, और एक व्यक्ति दौड़ता है मेडल लेकर दौड़ता है। मैंने हमारी रेस उनसी है जो पहले से जीते हुए हैं, तो हमें रेस से पहले निकाल दीजिए। आपको पैसे चाहिए ना, आपने पेपर बेचे, आपको पैसे चाहिए, बढ़ा लो फीस 100 रुपये और बढ़ा लो। वो माँ बाप ओवर टाइम कर लेंगे, माता क्या करेगी, अपने गहने एक सेट और गिरवी रख देगी, लेकिन आपके वो फीस को देगी। लेकिन अगर इस तरह देश में करप्शन करेंगे, इस तरह देश में भ्रष्टाचारी करेंगे, तो देश क्या होगा, उन गरीब परिवारों का क्या होगा? हम ये कहेंगे कि हमारी जो सरकार है वो चाहती है देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, और आपने भी जानते होंगे, और इसी के दम पे वो पूर्ण बहुमत में पिछली बार भी थे और आज भी हो, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, अगर इस तरह से भ्रष्टाचारी अधिकारी चुन कर जाएंगे, इस तरह भर्ती, हर भर्ती प्रक्रिया से भ्रष्टाचारी व्यक्ति चुनकर सरकारी विभागों में जाएंगे, तो वास्तव में वहाँ जाकर वही काम करेंगे जिस काम से वो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में देश सुधरे और देश कुछ बेहतर करे, तो अभी भी समय है, और समय यही है, अभी भी जागना है, और जागने के बाद कुछ नहीं करना है, आप साथ आइए और एक साथ एक सुर में जिस देश के प्रधानमंत्री, जितने मंत्रिमंडल है सबको आप ट्वीट करिए, और देश के 5 वर्ष में हुए सभी परीक्षाओं की वो पूरी तरह से जांच करें। वर्तमान 69,000 शिक्षक भर्ती की भी जांच होनी चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि जारी आंसर की कहां से जारी हुआ था, और अगर धांधली पकड़ी जाती है, इस परीक्षा प्रणाली को पुनः रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करें, जिन्होंने पहले परीक्षा दिया था उनके पुनः जनरेट करके वो एडमिट कार्ड पुनः उन्हें दे, और पुनः भर्ती परीक्षा प्रारंभ कराएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको देखने को मिला होगा जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला था इलाहाबाद में, बाद में क्या क्या घटनाएं घटी। तो हम ये प्रदेश सरकार से, अपने भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहेंगे कि वह आगामी जितने विभाग सरकारी विभाग में सभी विभागों की परीक्षाओं की वो पूरी तरह से जांच कराएं। LT ग्रेड परीक्षा साल भर हो गया, आज तक उनका रिजल्ट सामने नहीं है, मतलब 3-3 साल TGT PGD परीक्षाएं हो जाती हैं। माने अगर आप एक तरफ कहते हैं हमें योग्य शिक्षक चाहिए, एक तरफ आप योग्यता की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं देश भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, हम देश में भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, और एक तरफ आपके नाक के नीचे आपके ही अधिकारी इतने बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, और ऐसे कारनामे जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। आप देश में जितनी बड़ी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, माने आपने छोटे स्तर से लेकर इतने बड़े स्तर के पैमाने तक के पेपर आउट हो जा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? मतलब कि सरकार लाचार है, उन बेबस है,
अरे भैया जी, आपको हमने मतदान वोट किया है, आपको हमने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया है, हमने पूर्ण बहुमत से आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, आपने मंत्रिमंडल बांटे, आपकी सरकार बनी, हमें खुशी है, हमें इस बात की खुशी, आप पूर्ण बहुमत से आए हैं, देश का विकास करेंगे, लेकिन देश के विकास की जो ऋण है वो गरीब परिवार, आप उसे क्यों अनदेखा करते हैं? आपके प्रत्येक भाषण में, आपकी प्रत्येक चर्चा में, प्रत्येक मन की बात में आप गरीब परिवार की पीड़ा की बात करते हैं, आप गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में एक बात भी नहीं आ रही है, उस गरीब परिवार क्या होगा जिसने अपने हिस्से की रोटी तोड़ तोड़ के अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खिलाया है? सुबह जब हमारी आंखें नहीं खुलती तब तक दौड़ता रहता है, जो पैर की आड़ सुनाई देती है वो देश का गरीब नौजवान दौड़ता है, इस सुनी से वो आर्मी में, पुलिस जैसी भागों में जाएगा। जब हम रात में हमारी एक नींद पूरी होती है तो कोई झपकियाँ लेके पड़ता है, वो देश का गरीब युवा है, और उस युवा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतनी बड़ी जास्ती। आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, आप योग्यता की बात करते हैं, आपकी भर्ती प्रक्रियाएँ, आपके द्वारा बनाया गया विज्ञप्ति जो चैलेंजिंग है कोर्ट में, हम किसको कहेंगे? वो गलती आपके एक अभ्यर्थी के, आपने जिस तरह से परीक्षाएं ली उस तरह से हमने परीक्षाएं दी, तो फिर इतने बड़े ड्रामा क्यों? इसका मतलब कमियों को आप तलाशिए, उसका ठिकरा मेरे सर पे फोड़ेंगे, हम गरीब नौजवानों को पतोड़ेंगे कि हमारी गलती है। अरे आपने जैसे परीक्षा ली, जिस दिन परीक्षा लिया, जिस समय लिया, हमने दिया, हमने तैयारी की दिन रात एक करके, आखिर हमारी क्या गलती थी? हमारी जो गलती थी आप हमें बताइए कि आपकी गलती की वजह से, इसकी वजह से हम आपका चयन नहीं करें। आखिर क्या ऐसी जरूरत आ गई कि पेपर को होने के पहले आप भेज दे रहे हैं? क्या ऐसा रीजन है? आपके पास पैसे कमी है तो आप बगाइए, हम गरीब परिवार से मांगिए, हमारे माँ बाप 2 घंटे और मेहनत करेंगे, वो 2 घंटे पसीना और बहाएंगे, वो आपके लिए 500,000 रुपये और आपको देंगे, और फिर भी अगर कम लगता है आप बताइए कि हम सीट की नीलामी करेंगे, अगर मेरे माँ बाप सच्चे होंगे तो अपनी जमीन बेचकर आपको देंगे। लेकिन आप ये बात खुलकर तो कहिए कि आज देश में अगर नौकरी करना है तो पैसे लेकर आइए, अब नीलामी करिए सीट की, जिस डीएम के 1 करोड़ रुपया, नायब तहसीलदार का इतना, DSSP का इतना, RTO का इतना, अध्यापक बनने का इतना, BDO बनने का इतना, रेलवे में जाने का इतना, पुलिस बनने का इतना, SI बनने का इतना। अरे सर जी क्या है, क्यों भर्ती प्रक्रियाएं न्यायालय में अपना सर पटक रही हैं? जितनी देश से भर्ती हो रही है सब न्यायालय में अपना सर क्यों पटक रही हैं? क्यों ऐसे क्यों निमौली बनाए जाते हैं? निमौली कौन बनाते हैं? आपके अधिकारी बनाते हैं। तो आप जिम्मेदारी में किसको कहेंगे? आप हमारे देश की सरकार है, आप हमारे प्रदेश की सरकार है, हम उंगली आप उठाएंगे, आप हमारे गार्जियन हैं, हम आपको कहेंगे, और यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने आपको उस कुर्सी पे बैठाया है, हम जैसे युवा ने मतदान किया है, हमारे देश की सभी जनता ने आपको मतदान दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में भाषण देते समय, अभी हाल ही में जो ये लोकसभा चुनाव हुआ, जिस दिन उन्होंने संसद ये चुने हुए द्वारा प्रधानमंत्री घोषित किया, उस दिन उन्होंने कहा कि हम उस देश के प्रत्येक नागरिक साथ है, जिसने मुझे मतदान किया था, जिसे मतदान नहीं किया था, हम सबके लिए करेंगे। तो आप सब की बात छोड़िए, हम गरीब परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, उन गरीबों के लिए जिन्होंने अपनी हिस्से की रोटियां, जिनके दिन रात देख करके मेहनत किया, पढ़ाया। पता है 30 तारीख को जब पिताजी के पास फोन किया जाता है, पापा 5,000 रुपया भेज दीजिए, 3,000 रुपया भेज दीजिए, रूम का रेंट देना है, तो एक सवाल ऐसा होता है जो 3 दिन सुने नहीं देता, बेटा परीक्षा जो दिए थे उसका कुछ रिजल्ट आया, बेटा इस बार हो जाएगा, बेटा अगर इस बार नहीं होगा अगली बार आ जाना, क्योंकि बहन की शादी करनी है, बहुत समस्या हो रही, घर पे कोई नहीं है, चले जाओ बम्बई कमा लो। वो बातें 3 दिन तक 4 दिन तक सुने नहीं देती इंसान को। जब हम 5 रुपये की चाय पीने जाते हैं ना, ये अंदर से आवाज़ आती है कि फिर पापा से कहना पड़ेगा पैसे के लिए। और प्रत्येक माँ बाप जब चाय पीने जाता है ना, वो एक बार सोचता है हम चाय पी लेंगे तो बेटे को पैसा भेजना है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप इस तरह से, तो हम आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी देश की इवा ये बात आपसे कहती है, आप सभी भर्ती प्रक्रियाओं की जांच करें, इसके जो भी संलिप्त मिले उनके ऊपर ऐसे सजा का प्रावधान करिए, ऐसे सजा का प्रावधान करिए कि किसी व्यक्ति को जरूरत ना हो इतनी बड़ी हरकत करने के लिए। आप उन्हें सजा देंगे 1 महीने बाद तो फिर बिल ले लेंगे, हमारे देश की न्याय व्यवस्था ऐसी है, उन्हें जमानत मिल जाएगा, फिर आएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर वो काम करेंगे, फिर उस गरीब परिवार के साथ क्या न्याय हुआ। आप उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं की जाँच कराइए, और पूरी जाँच जो भी प्रक्रिया होगी वह पूरी निष्पक्ष हो, क्योंकि पता है अगर आप निष्पक्षता से नहीं कराएंगे, आज आप हमारी सरकार हैं, आज हमने आपको मतदान किया है, आगामी हमारी इस लोकतंत्र की इस जो गरिमा है, जो आपके ऊपर विश्वास है, वो टूट जाएगा। आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं, ये शिकायत हमारी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे जो मुखिया हैं राज्य के, हमारे देश के मुखिया, हम उनसे शिकायत क्यों कर रहे हैं? हमें ये पता है आप हमारी बात सुनेंगे, आप हमारे गार्जियन हैं, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात को सुनेंगे, और इसलिए अगर आप
इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा, उन तक ये वीडियो तब तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा ताकि उन तक ये पहुंचे। और हमें उम्मीद करते हैं आप सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच कराएंगे, देश प्रदेश में 5 वर्ष में आयोजित सभी भर्ती प्रक्रियाएं 69,000 हो, 68,500 उसके पहले जो भर्ती प्रक्रिया हुए, रेलवे हुई, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग में क्या धांधलियाँ नहीं हो रही है, ऐसे ऐसे बंदे चुनकर जा रहे हैं जिनको आपने सोचा भी नहीं था ये नौकरी करेंगे, अचानक पता चलता बंबई में ऑटो चला रहा था आ गया उसका तो लेखपाल हो गया, ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है किस्से। मैं मानता हूँ पढ़ता रहा होगा, लेकिन आपसे बस एक उम्मीद है कि आप ऐसी भर्ती प्रक्रियाओं की जांच करिए। एसआई यूपीएससी 2016 में आपने विज्ञप्ति जारी की, आपने ये कहा कि जो क्वालिफाई होंगे उन्हें हम बुलाएंगे मेडिकल के लिए, उन्हें बुलाएंगे हम पीटी के लिए, तो आप पीटी के लिए गए, मेडिकल दिया, फिर मेडिकल पर तो कैसे फेल हो गए। अब 3600 में से 2000 लोग क्वालिफाई करते हैं, अगर वो पास नहीं तो उन्हें मेडिकल और पीटी के लिए क्यों बुलाया गया। इसका मतलब है कि अंदर से बहुत बड़े स्तर की धांधली हुई है। तो हम आपसे ये कहेंगे, हम मतलब हमारे देश की युवा, ये दिल की बात कह रहे हैं, मन की बात है ये, अगर आप नहीं सुनेंगे हम किससे कहेंगे, आप हमारे गार्जियन हैं। और हम ये चाहते हैं आप अपने सभी, अगर आप एक युवा हैं और आप नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्य सभी तक ये पहुंचाइएगा, और प्रयास करिएगा आप ट्विटर पे मोदी जी के साथ जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं उन सभी से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इन सभी को आप ट्वीट करके बताइए कि हमें, अगर आप चाहते हैं देश का विकास हो, देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो उन भ्रष्टाचारी को बाहर करिए। उन 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार के माध्यम से इस बड़ी नौकरियों में या छोटे नौकरियों में जिनका चयन हुआ है उनके चयन को बाहर करिए। अरे हम जैसी युवा तैयार हैं, आप हमारी परीक्षा लीजिए, हम देखकर अगर हमारी योग्यता होगी हम चयनित होकर आएंगे और आपके लिए और अपने देश के लिए सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आप एक बार आवाज तो लगाइए, हमारी युवा सड़कों पर आज 4 बजे दौड़ती है, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए आवाज तो लगा के देखिए, हमें देश में, हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है, हम साफ सुथरी भर्ती कराना चाहते हैं। हमारे देश में आज भी युवा उच्च योग्य हैं जो दिन रात एक करके पढ़ते हैं और अपने देश के लिए तत्पर हैं, सीने पे सीधी गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप एक बार अपने आत्मा से ये तो कहिए, हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। आप उन अधिकारियों के सामने क्यों बेबस हो जाते हैं, आपके पास तो हमने सारी पावर दे दी ना, सारी पावर दे दी, अब क्या कमी रह गई बताइए, वो भी हम लोग कर दें। अपने लोकतंत्र की पूरी शक्ति हमने आपके हाथों में दे दी और पूर्ण बहुमत के साथ दे दी ताकि आप कभी ये ना कह सके हमें गठबंधन से हम चुनकर आए हैं और हमारे जिनसे गठबंधन हुए वो इस बात के लिए हम मेरे साथ सहमत नहीं है। अब आप पूर्ण बहुमत से हैं और अब आप नहीं सुनेंगे तो हमारी व्यथा कौन सुनेगा, हम जैसे युवा कहाँ जाएं। या तो आप एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल दें कि हमारे देश में, हमारे राज्य में उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो हमें पैसे दे कर आए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपका ही भाषा सुना है, आपने कहा था आज हमारे देश के युवाओं से जाके पूछिए जो पुलिस में हुए 1 रुपया नहीं दिए पुलिस में, इसके पहले पुलिस में होते थे पैसे देके होते थे, मैंने आपका भाषण सुना हुआ है और मैं उसी बात को आज आपसे दोहराता हूँ कि अब भी आप उसी बात को एक बार पुनः खुले मन से दोहराइए और ये कहिए, मैं पिछले 5 वर्ष में हुए, प्रदेश में 10 वर्ष में हुए सभी भर्तियों को जांच कराऊंगा, जो इसमें लिप्त पाएंगे सबसे पहले उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा नए पदों का सृजन करके और फिर नए तरीके से भ्रष्टाचार को मुक्त करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ आप आगामी अपने देख रेख में पूरी परीक्षा कराएंगे, क्योंकि मुझे आप पर आज ही भरोसा है, मुझे प्रदेश की सरकार, मुझे देश की सरकार पर आज ही भरोसा है और मुझे उस पर नाज है। लेकिन ये नाज तब है जब आप हम युवाओं की व्यथा को समझेंगे, हमारी बात की, हमारी पीड़ा को समझेंगे, उस माँ बाप की पीड़ा को समझेंगे जिन्होंने नमक रोटी खाकर अपने बेटे को पढ़ाया है, जो खुद पैदल चलकर अपने बेटे को साइकिल खरीद के दिया ताकि वो समय से स्कूल पहुंच सके। आप चाहते हैं देश का विकास हो, आप चाहते हैं देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो बस एक छोटी सी पहल करनी है हम नौजवान को। आप हमें मनरेगा जैसी योजनाएं नहीं चाहिए, हमें आपकी बेरोजगारी भत्ते नहीं चाहिए, आप देश में, आप देखिएगा देश कितनी तरक्की करेगा, देश कितना विकास करेगा कि हम जैसे युवा, केवल आप आवाज तो लगाइए, आप आह्वान करिए, हम देश में जान देने के लिए तत्पर हैं और हर तरीके से। लेकिन वो नहीं देंगे जो 25 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ रुपया देकर चयन हुआ है, वो 12-12 लाख 15-15 लाख रुपया देकर जो बैंकों में क्लर्क हुए हैं, वो जो रेलवे में ग्रुप डी में हुए हैं, SSC में हुए हैं, अन्य जगहों पर हुए हैं, अब तो हम कहेंगे आपके पास क्या प्रमाण है, इस तरह से आरोप लगा रहे मुख्यमंत्री जी। आपके भाषण है मेरे पास सबसे बड़े प्रमाण है, जो आपने कहा है इससे बड़ा प्रमाण क्या है। SSC में इतने बड़े घोटाले हुए, इतनी बड़ी पैमाने पे, माने पेपर होने से पहले अभ्यर्थियों के पास पेपर कैसे पहुंच जाते हैं, इतनी बड़ी BTC के पेपर, आप बताइए BTC तक के पेपर आउट, CBSE बोर्ड के पेपर आउट हो जाते हैं, आप बताइए क्या सबूत दें हम आपको, आप हमसे सबूत मांगेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है। तो बस आप एक गार्जियन है और मैं इस देश का एक युवा हूँ और एक युवा की व्यथा है, एक युवा की पीड़ा है और हम उम्मीद करते हैं आप हमारी पीड़ा को सुनोगे और हमें चाहेंगे हमारे देश के सभी युवा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़
उन सभी अधिकारियों, उन सभी मंत्रियों तक पहुंचे। और मुझे आज भी अपने प्रदेश की, अपने देश की मुखिया पे भरोसा है, और मुझे पता है वो हमारे देश के हित के लिए ये जरूर करेंगे। हम जैसे युवाओं को की पीड़ा को, हम जैसे युवाओं की मेहनत को वो जरूर सराहेंगे, और पिछली आगामी भर्तियों के पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इन सभी भर्ती को जांच पारदर्शिता के साथ कराएंगे, और ये मेरा विश्वास है। और आपको यदि कोई सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी युवाओं के साथ था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि हम नौकरी की भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे, और आप शर्तें रखिए, उस शर्तों को हम पूरा करने के तैयार हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद, परीक्षा, एक परीक्षा, दो परीक्षा, जितनी भी मानक आप रखें, हम मानक को पार करने के लिए, बस आप पारदर्शिता रखें, आप परीक्षा पारदर्शिता रखें, हम मानक को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और मानक को पूरा करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि यह देश की युवा हर उस योग्य है जितना हम सोच नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको योग्यता तलाशने के लिए अपने अधिकारियों को समझना होगा, क्योंकि आपके पास योग्यता की पैनल नहीं है, आपके पास आप उनसे घिरे हुए हैं, उन चापलूसों से घिरे पड़े हुए हैं जो देश के भ्रष्टाचार को नहीं, देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। तो बस मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हर गरीब माँ बाप, हर गरीब परिवार का बेटा बेटी, माता पिता के अगर आँख में खुशियाँ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश विकास हो, देश विश्व गुरु बने, तो बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप हमारे मुखिया, आप हमारी सरकार हैं, हम आपसे अपनी बातें कर सकते हैं, हम अपनी जिद पूरी कर सकते हैं, तो आपसे बस एक निवेदन है कि आप सभी भर्तियों की जांच कराएं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, बैंकिंग भर्ती हो, SSC हो, UPSC हो, UPSSC हो, जितनी भर्तियाँ घोटालों की भेंट चढ़ी हैं, जिनमें जरा से भी दुर्गंध आई है भ्रष्टाचार की, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की आप जाँच कराइए। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को अन्य लोगों तक पहुँचाएंगे, और यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भी बातें त्रुटिपूर्ण कह गई हो, या आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार ठेस पहुँची हो, हम सबसे क्षमा चाहते हैं, और हमारे देश के हम एक नागरिक होने नाते हम अपने आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए इस स्वतंत्रता को पूरा करते हुए अपनी अपनी बात रखी। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो आपको निरर्थक लगी, हो सकता है बहुत सारे ऐसी बातें मैंने आवेश में ऐसी कह दी हूँ कि जिससे आपको तकलीफ हुई है, तो उसके लिए हम आपसे, जिनको भी मेरी इस बात से तकलीफ हुई है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से, हमसे सहृदय हम क्षमा चाहते हैं, उम्मीद करते हैं हमें क्षमा भी कर देंगे, लेकिन हमें चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करिए अन्य सभी तक पहुंचे, ताकि हमारी देश में उस कार्यशील जनसंख्या जो आज भी तत्पर है, उसको उसके योग्यता के अनुसार, उसके पैमाने के अनुसार उसके रोजगार मिल सके। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्य सभी साथियों तक पहुँचाएगा। इसी के साथ आप सभी को एक छोटी सलाह, आप भी आगे आइए और अपने हक के लिए लड़िए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम जीत के पहले ही, जीत रेस के पहले ही हार चुके होंगे, और रेस शुरू करने से पहले ही कोई मेडल लेकर हमारे सामने आएगा जो जीत का जश्न मनाएगा। तो आप साथ आइए, वरना ये जीत का जश्न कोई और मनाएगा, और इन बेरोजगारी की और इस गरीबी की तंगा किसी और के ऊपर लगेगा। अब भी समय है, उठिए, जागिए, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सभी मंत्रिमंडल को आप ट्वीट करिए, क्योंकि वो हमारे देश के, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है, जरूर हमारी पीड़ा को समझेंगे, जरूर हमारी बात को समझेंगे, और इससे वो निजात भी दिलाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।